हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपकी ये दिल्ली एनसीईआरटी की तरफ से निकली है। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो 123 वैकेंसीज हैं ओवरऑल वैकेंसीज, लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है, आपको लोकेशन सूट करती है, सारी चीज़ें मैच करती हैं, जरूर जरूर अप्लाई करना। ठीक है, बात करें किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में भी आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, स्पेशल एजुकेशन, फिर उसके बाद आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन टीचर एजुकेशन, मैथमेटिक एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड पॉलिसी, पीस टीचर ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की वैकेंसीज हैं, वुमेन स्टडीज, ठीक है, या जेंडर स्टडीज, या फिर कह लीजिए गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, ये वाली वैकेंसी है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलती हैं चाइल्ड फ्रॉम सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है, इनकी वैकेंसी है। फिर उर्दू की वैकेंसी है, फिर पॉपुलेशन स्टडी, फिर ज्योग्राफी की वैकेंसी है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप की वैकेंसी है, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इनकी भी वैकेंसी है। फिर साइकोलॉजी की वैकेंसी है, फिर सिक्योरिटी और डिफेंस की भी वैकेंसी है, फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, साइकोलॉजी एजुकेशन की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट, फिजिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, होम साइंस, ठीक है, इनकी वैकेंसी है। फिर उसके बाद आपको वैकेंसी देखने के मिलती है ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, स्टेनोग्राफ, फूड न्यूट्रिशन, इनकी वैकेंसी है, आर्ट एजुकेशन, संस्कृत, कंप्यूटर एजुकेशन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इनकी ये सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बता दिया 123 वैकेंसीज हैं ओवरऑल। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ncert.nic.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात करें इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ये जो वैकेंसी है आपकी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ठीक है, तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको पता ही है पीएचडी आपके पास होनी चाहिए, या फिर नेट क्वालिफाइड है तो भी चल जाएगा, या फिर मास्टर्स के बिहाफ पे भी, कई ऐसी पोस्ट हैं जिनके मास्टर्स के बिहाफ पे भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, उसे जाके देखिए, अपने लेवल पे भी चीज़ें चेक करिएगा। बाकी बता देती हूँ कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो देखिए 27 तारीख से आप अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 बजे से सुबह, और लास्ट डेट जो रहेगी वो 16 अगस्त रहेगी। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे वो लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ncert.nic.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बात करें सारी चीज़ों के बारे में, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रोफेसर की, तो आपके पास या तो पीएचडी होनी चाहिए, या नॉट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर मास्टर्स के बिहाफ पे भी कई ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें कि आपको वैकेंसी में अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, बाकी ये नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को शेयर कर रखा है, आप अपने लेवल पे भी चेक कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।